आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए आईसीआई ने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट शेयर किया है। यहाँ पे सजेशन किया है, सजेस्ट किया है, अगर आप उसको चाहें तो उस फॉर्मेट को फॉलो करके एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ओनली फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए है। आगे इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कैसा शो होगा, तो वीडियो को आगे तक कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए जो आईसीआई ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेयर किया है, उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करते हुए कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, मैं फॉर्मेट आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। अब देखिए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए अलग से बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्यों रेडी किया गया। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लेते हैं कि आईसीआई को क्यों नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ा। तो देखिए क्या होता था पहले कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए कुछ लोग अपने टाइप से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते थे, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी आईसीआई ने जो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये सिर्फ सजेस्ट किया है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप उसको उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, ये आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके बनाना चाहते हैं बैलेंस शीट तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने फॉर्मेट से भी बना सकते हैं। बट अभी उन्होंने रिकमेंड किया है, आगे इन फ्यूचर में ये जो है मैंडेटरी हो जाएगा उसी को फॉलो करते हुए। तो अभी से आप प्रिपेयर कर लीजिए कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप कर सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर में आपको ईजी हो जाए, क्योंकि इन फ्यूचर में ये मैंडेटरी हो सकता है। तो आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि उसका फॉर्मेट कैसे दिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, कौन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं एंड कौन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, AOP, BOI ट्रस्ट है, या फिर हिंदू इंडिविजुअल फैमिली है, तो ये सारे कवर होते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो माइंड में आता है कि क्या ये मैंडेटरी है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का, अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप चाहते हैं तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप जो ओल्ड फॉर्मेट में अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे आप उसी फॉर्मेट में अपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आईसीआई ने ओनली रिकमेंड किया है कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करके बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहें तो आप अपने फॉर्मेट में भी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं फॉर्मेट यहाँ पे शेयर कर देती हूँ सो दैट आप देख सकें कि कैसा इसका फॉर्मेट है, एंड इस फॉर्मेट में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप जो ओल्ड आपका फॉर्मेट है उस ओल्ड फॉर्मेट में आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो फॉर्मेट है वो ओपन कर लिया है। इसी फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। नेम ऑफ यहाँ आप देख सकते हैं द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, आपको पर्टिकुलर शो होंगे, एंड इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे आपको करेंट ईयर की रिपोर्टिंग करनी है, एंड जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपको प्रीवियस ईयर की रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे दो कॉलम आपको मिलेंगे, एंड यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो सारे यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज आपको शो होंगे, एंड असेट्स के अंडर में करेंट असेट्स शो होंगे। यहाँ पे देखिए आपको इक्विटी लाइबिलिटी शो हो रही है। तो इन सारे रोज में आपको अपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए नीचे आपको असेट्स का शो होगा, उसके नीचे नॉन करेंट असेट्स शो हो रहा है, उसी में नीचे आपको करेंट असेट्स शो होगा, उसके नीचे नीचे आपको सारे हेडिंग्स यहाँ पे मिले हैं, उसके हेडिंग में जो भी आपका आता है बैलेंस शीट के अंडर में वो आपको प्रिपेयर करना है। तो इस टाइप से एक लंबा आपको फॉर्मेट मिलता है जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस मिलते हैं, आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन को फिल करना है। इस टाइप से आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। जो ये फॉर्मेट मैंने आपको शो किया ये रिकमेंडेड फॉर्मेट है, अगर आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इस फॉर्मेट में, अगर आप नहीं चाहते तो आप अपने ओल्ड फॉर्मेट में भी बना सकते हैं बैलेंस शीट को। बट इन फ्यूचर में हो सकता है कि ये मैंडेटरी कर दिया जाए एंड इसी फॉर्मेट में आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़े। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर की है ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।